झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है धनबाद से। पश्चिम बंगाल से बिहार में शराब तस्करी का धनबाद पुलिस ने किया भंडाफोड़। पिकअप वैन में डाब के नीचे छिपाकर रखी गई थी 1368 बोतलें। राजगंज थाना की पुलिस ने रविवार सुबह थाना गेट के सामने आसनसोल से नवादा जा रहा पिकअप वैन को पकड़ा। जांच के दौरान वाहन में छिपा कर रखी गई अंग्रेजी शराब की 1368 बोतलें मिली। पुलिस जब्त कर बरकट्ठा निवासी वाहन चालक विकास साहब को गिरफ्तार कर लिया है। अंग्रेजी शराब को डाब के नीचे छुपा कर रखी गई थी। शराब की कीमत 8,61,840 रुपया बताई जा रही है। खबर है जमशेदपुर से। झारखंड सरकार के एक वर्ष की नाकामयाबियों की पोल खोलेगी आईसू। आईसू जिला कमेटी की बैठक आईसू पार्टी के आवासीय कार्यालय सिद्धगोड़ा में आयोजित हुई। इसमें मुख्य रूप से केंद्रीय नेतृत्व द्वारा आहूत आगामी 29 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के कार्यक्रम पर चर्चा की गई। इस दौरान एक सभा का भी आयोजन किया गया। इस सभा झारखंड सरकार को उन वालों को याद कराया जाएगा जिससे लेकर वे सत्ता में आए थे। जनता को जगाने और सरकार की नींद से उठाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में जिला प्रभारी बने पूर्व विधायक अनंत राम टूडू का स्वागत पार्टी के केंद्रीय सचिव चंद्रगुप्त सिंह ने किया। 29 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर विभिन्न प्रखंड एवं नगर कमेटियों ने मंगलवार पदाधिकारियों का चयन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने किया जबकि संचालन जिला प्रवक्ता अप्पू तिवारी ने किया। खबर है रांची से। रांची के बाजार में सब्जियों के भाव जमीन पर नहीं बिकने से किसान हो रहे हैं परेशान। दिसंबर के पहले सप्ताह तक सब्जियों के दाम इतने महंगे थे कि मध्यवर्गीय परिवार को थाली छोटी करनी पड़ी थी। वहीं दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आलम यह है कि किसान मंडी में सब्जियां बेचकर भी निराश घर लौट रहे हैं। सब्जियों की आवक बढ़ने से कारोबारी लागत से भी कम कीमत पर खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में किसान के पास दो ही विकल्प बच जाते हैं, या तो अपनी सब्जी खेत में ही छोड़ दें या पशुओं को खिला दें, या मंडी में लागत से कम कीमत पर उत्पाद बेचकर थोड़ी बहुत पूंजी निकाल लें। कोरोना के कहर के बीच मालगाड़ी से 48,000 टन अनाज पहुंचा टाटा नगर और रांची। यह खबर है रांची से। कोविड 19 महामारी के बावजूद दक्षिण पूर्व रेलवे यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के साथ साथ मालगाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनाज पहुंचाने में भी जुटा हुआ है। विपरीत परिस्थितियों में रेलवे के सहयोग से कई शहरों में समय पर अनाज पहुंचा रहा है। बड़े पैमाने पर होंगे शिक्षकों के तबादला। 1597 स्कूल के 4300 शिक्षकों की सूची हुई तैयारी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के आलोक में नई स्थानांतरण नीति के तहत शिक्षा विभाग ने क्षेत्रवार सूची को जिला प्रशासन के पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। इसमें कुल 1597 स्कूलों के तहत 4300 शिक्षकों के नाम है। सूची देखने के बाद आपत्ति दर्ज करने के लिए शिक्षकों को 25 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इस सूची के अनुसार ही निकट भविष्य में स्थानांतरण होगा। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना को नहीं मिल रहा है रिस्पांस। राज्य में काम मांगने वाली की संख्या काफी कम। राज्य के सभी 51 नगर निकायों में चल रही योजनाओं में सिर्फ 500 के करीब लोगों को ही रोजगार दिया जा सकता है। योजनाओं का सभी रिस्पांस नहीं मिलता देख नगर विकास विभाग ने काम नहीं हासिल करने वाले शहरी श्रमिकों की तलाश कर उनको काम देने का फैसला किया है। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने शहरों के कुली बाजार में काम हासिल नहीं करने वाले श्रमिकों के पास जाकर उनके काम आवंटित करने का निर्देश दिया है। यह खबर है गिरिडीह से। नकली नोट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने डुमरी के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रिंटिंग मशीन से नकली नोट छापकर बाजार में खपाने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक डुमरी थाना क्षेत्र के भंडारो गांव निवासी परमेश्वर विश्वकर्मा का पुत्र सुधीर विश्वकर्मा है। सुधीर के पास से पुलिस ने 23,600 रुपये का नकली नोट बरामद किया है। पुलिस ने सुधीर की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर पंचुआ थाना क्षेत्र के बक्सीडीही माथाडीही मोड़ के समीप से की है। इस बात की जानकारी गिरिडीह SP अमित रेणु ने पुलिस लाइन में पत्रकारों को दी। खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से
गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे पीएम मोदी तो भड़क उठी अलका लांबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर सबको चौंका दिया। पीएम नरेंद्र मोदी कल सुबह दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। चौंकाने वाली बात यह है कि पीएम बिना किसी प्रोटोकॉल के अचानक गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंच गए। असम में भाजपा ने दर्ज की बम्पर जीत, 36 में से 33 सीटों पर जमाया कब्जा कांग्रेस का सुपड़ा साफ। भारतीय जनता पार्टी का विजय अभियान लगातार जारी है। हैदराबाद और केरल के स्थानीय चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद अब भाजपा ने असम के स्थानीय चुनाव में बम्पर जीत दर्ज की है। एक ब्रेकिंग न्यूज, फारूक अब्दुल्ला पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, जब्त की 12 करोड़ की संपत्ति। जम्मू कश्मीर क्रिकेट घोटाला मामले में शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से संबंधित 2 घर, 3 प्लॉट और एक अन्य प्रॉपर्टी की सीज कर दिया है। इसकी कुल कीमत बाजार में करीब 11 करोड़ 46 लाख रुपया बताई जा रही है। इससे पहले फरवरी माह में ईडी ने एहसान अहमद मिर्जा और मीर मंजूर गजनफर की 2.6 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। 1998 में स्थापना के बाद पहली बार टीएमसी में इतनी बड़ी फूट, क्या सचमुच अकेली पड़ जाएगी ममता बनर्जी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। कल वह बोलपुर रोड शो में शामिल हुए। बंगाल दौरे के पहले दिन धमाकेदार एंट्री ली। बंगाल में बड़े सियासी घटनाक्रम से भरा रहा। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम दौरे पर पहुंचते ही वहां की राजनीतिक में बड़ा बदलाव हुआ। वाजिद खान की पत्नी कमल रुख का बड़ा खुलासा, पति ने इस्लाम कबूल नहीं करने पर दी थी तलाक की धमकी। वाजिद खान की पत्नी कमल रुख ने कहा कि उनकी सास ससुर उन्हें इस्लाम धर्म से जबरदस्ती कन्वर्ट होने के लिए दबाव डाला था। संगीतकार और गायक वाजिद खान को गुजरे 6 महीने हो गए हैं। वाजिद खान का निधन 1 जून को हुआ था। अब उनके जाने के 5 महीने बाद उनकी पत्नी कमल रुख ने अपनी सास ससुर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। जिंदगी में नहीं देखा होगा ऐसा रोड शो, बंगाल में दीदी पर गरजे अमित शाह, लगे जय श्री राम के नारे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अपने बंगाल दौरे के दूसरे दिन बीरभूम जिले में रोड शो किया। बड़ी संख्या में उमड़े जनसैलाब के सामने अमित शाह ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा रोड शो नहीं देखा। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी खूब निशाना साधा। किसान आंदोलन से स्टील इंडस्ट्री पर संकट, पंजाब की 800 फाउंड्री यूनिट पर लग सकता है ताला। स्टील के दामों में आए उछाल ने हर सेक्टर का हाल बेहाल कर दिया है। इन दिनों पंजाब का 800 कंपनियों वाला फाउंड्री उद्योग बंदी के कगार पर पहुंच गया है। इसकी मुख्य वजह फाउंड्री उद्योग के मुख्य कच्चे माल स्क्रैप और पीक आयरन के दामों में आ गया रहा जबरदस्त उछाल। इन उत्पादों के दामों में पिछले 6 महीने में 5 से 8 हजार रुपए प्रति टन का इजाफा हो चुका है। कंगना रनौत के ट्वीट पर बिल्किस दादी का आया जवाब, जानिए क्या कहा। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी शाहीन बाग की बिल्किस दादी का जिक्र हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने एक वीडियो में किया था। अब कंगना के उस वीडियो पर दादी की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें दादी ने कहा कि वह भी हमारी बेटी है जो हमें ना समझ कर रही है। हर माह 850 टन कोरोना वैक्सीन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मुस्तैद हुआ यूनिसेफ। कोरोना महामारी का सामना कर रहे विश्व के लिए जहां इसकी वैक्सीन की शुरुआत एक सुखद खबर है, वहीं कोवैक्स की खरीद भी राहत देने वाली है। इस बीच इस जानलेवा वायरस की रोकथाम करने वाले वैक्सीन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए यूनिसेफ ने भी कमर कस ली है। इसकी खुराक को संरक्षित रखने को लेकर पहले से ही यूनिसेफ काम कर रहा था। पूर्वोत्तर में फिर गरमाया सीएए का मुद्दा, शुरू हुआ प्रदर्शन। असम समेत पूरे पूर्वोत्तर इलाके में बीते साल नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। अब इस कानून के 1 साल पूरे होने के मौके पर इलाके में दोबारा नए सीए से आंदोलन और प्रदर्शन शुरू हो गया है। फिर दुखी हुआ बॉलीवुड, अचानक मिथुन की बिगड़ी तबीयत, डॉक्टर्स पहुंचे होटल।
बॉलीवुड के प्रसिद्ध व दिग्गज एक्टर डांसर मिथुन चक्रवर्ती ने अपने दम पर एक अलग ही पहचान बना ली है। उनकी फैन फॉलोइंग भारत के लेकर हर जगह है। लोग उनकी एक्टिंग और दमदार डायलॉग को काफी पसंद करते आ रहे हैं। अब उन्हें लेकर बड़ी खबर आ रही है कि मसूरी पहुंचे एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। एक्टर मिथुन इन दिनों वेब सीरीज की शूटिंग के लिए मसूरी पहुंचे हैं। इस वेब सीरीज का नाम कश्मीर फाइल्स है। ईसाई प्रचारक एजरा सरगुनम का बयान, मोदी अपनी पत्नी के साथ 5 दिन भी नहीं रह सका तो देश पर कैसे शासन करेगा। विवादास्पद ईसाई प्रचारक पादरी और डीएमके समर्थक बिशप एजरा सरगुनम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि वो देश पर शासन करने के लायक नहीं है क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ 5 दिनों तक भी नहीं रह पाए। जिस मदरसे से पढ़ने जाती थी वही के मौलाना ने नाबालिग से रेप की कोशिश, जान से मारने की धमकी, हुआ गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने अमेठी जिले में मदरसा शिक्षक कलीम अहमद को नाबालिग छात्रों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ और रेप की कोशिश में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मौलवी ने 15 वर्षीय छात्रा को नशीली दवा पिलाकर 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर उसका रेप करने की कोशिश की। यही नहीं, मामले को दबाने के लिए मदरसा शिक्षक ने पीड़िता और उसकी मां को जान से मारने की धमकी भी दी है। नौकरी पेशा के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र की चेतावनी, परमानेंट एम्प्लॉई को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदल सकती है कंपनियां। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कंपनियों को राहत देने के लिए श्रम कानून में बदलाव किया था। इसकी आड़ में कुछ कंपनियों ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी थी और नए श्रम कानून को बहाना बनाकर परमानेंट नौकरी पर रखे कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में बदलना शुरू कर दिया। ऐसे में सरकार ने इन कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि नए कानूनों की आड़ में कोई भी कंपनी परमानेंट नौकरी पर रखे हुए कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पर बदल नहीं सकती है, नहीं तो कार्रवाई होगी। खबर खेल जगत से, खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया में 4 देशज खेलों को शामिल करने की दी मंजूरी। भारतीय खेल मंत्रालय ने हाल ही में योगासन को खेल का दर्जा देने के बाद एक और बड़ा फैसला किया है। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में गटका और कलारी पयट सहित 4 देशज यानी स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। इसमें शामिल किए गए 2 अन्य खेल मलखम्ब और तांग ता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।